अगर आप सोच रहे हैं कि आपने लिक्विड हाइलाइटर लेके गलती कर दी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिक्विड हाइलाइटर को आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हो और इसको कैसे यूज़ किया जाता है बड़े बड़े सैलॉन्स और पार्लर्स में। ऐसे लिक्विड हाइलाइटर तो हर किसी के पास होते हैं क्योंकि हमने देखा देखी में हमने लिक्विड हाइलाइटर खरीद तो लिया होता है लेकिन हमें इसका यूज़ करने का तरीका नहीं आ रहा होता कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे इनका प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि इस प्रोडक्ट्स को लिक्विड हाइलाइटर को कैसे यूज़ किया जाता है बड़े बड़े सैलॉन्स में और प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ करना है, सब कुछ हम आज वीडियो में देखेंगे। एक ही प्रोडक्ट्स को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आर्टिस्ट का एक्चुअली यही काम होता है कि एक ही प्रोडक्ट्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले फर्स्ट जानते हैं कि लिक्विड हाइलाइटर को कैसे यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं कि हम जो लिक्विड हाइलाइटर की ना जब हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं और जितना हमें चाहिए होता है ना हम उससे ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो स्किन में क्या हो जाता है, स्किन में एक पेच बन जाता है और स्किन में ऐसे लग रहा होता है कि एक पूरी लाइन लगी हुई है हाइलाइटर की, तो स्किन पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा और लग रहा होता है और पेची हो जाता है और बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है, आपको बस जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड हाइलाइटर की लेनी है क्योंकि हम जो लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करते हैं वो वैसे ही वो एल्यूमिनेटर हैं, उनके ज़्यादा इनके पास वो हाइलाइटर का इफेक्ट होता है तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी हाइलाइटर की ले लेंगे और हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपको ब्लेंडिंग का इवन पूरा आप स्किन में जहाँ पे भी आप फेस पे लगाना चाहते हो ब्लेंड कर दोगे। देखो अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ईजी टू अप्लाई भी हो रहा है, वहाँ पे जो आप देखोगे ना पूरा पेच बना हुआ है, यहाँ पे कोई पेच नहीं बनेगा और इजी ब्लेंड भी हो जाएगा। और ये मेथड तब यूज़ होता है जब आप बेस के ऊपर हाइलाइटर यूज़ कर रहे होते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और नेक्स्ट मेथड आपको यूज़ करना है कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन। हम थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड फाउंडेशन की लेंगे क्योंकि जब हम क्या करेंगे इसका बेस को हमें बहुत ही फ्लॉलेस दिखाना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम लिक्विड हाइलाइटर की ले लेंगे। और हमें एक दो ड्रॉप्स लिक्विड हाइलाइटर की चाहिए और थोड़ी सी हमें लिक्विड फाउंडेशन चाहिए। हम दोनों से ब्लेंड करके अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँ कि इसका टेक्स्चर कैसे बना और कैसे लॉन्ग लास्टिंग ये बेस बनाए। इतना क्रीमी सा बेस होता है, ईजी टू अप्लाई भी हो जाता है और इसका बेस से आपका बेस भी शाइन रहता है। और आप इसी तरीके से इसको बड़े बड़े सैलॉन्स और पार्लर्स में भी यूज़ किया जाता है। थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड हाइलाइटर की भी यूज़ की जाती है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट हैक्स। आपको नेक्स्ट हैक्स में क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। आपने देखा होगा कि आप बड़े बड़े सैलॉन्स और पार्लर्स में जाते हैं ना तो वो बेस लगाने से पहले क्रीम लगाते हैं। वो क्रीम ऐसी होती है जिससे क्या होता है स्किन बेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट वाला बन जाता है। तो हमें थोड़ी सी क्वांटिटी प्राइमर की लेनी है, हम थोड़ी सी क्वांटिटी ना लिक्विड हाइलाइटर की और एलिमिनेटर की ले लेंगे और इससे मिक्सिंग करके स्किन पे अप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा स्किन में इतना कोई ग्लोइंग इफेक्ट वाला बेस बनेगा और इतना कोई ग्लोइंग वाला ग्लो आएगा जिसपे अगर आप इसके ऊपर बेस बनाओगे तो बेस भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा शिमरी वाली और ऐसे बिल्कुल भी पेची फील नहीं होगी और स्किन इतनी ग्लो कर रही होगी। देखें गाइस कितना इसका ना इसको में शाइन आ गया है, हमने बस जस्ट दो प्रोडक्ट से ही कितना स्किन में ग्लो आ गया है। ये वाला ऐसे तरीके से ही सैलॉन्स और पार्लर्स में यूज़ किया जाता है। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ या हमारे नेक्स्ट मेथड की। अब हमें क्या लेना है, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड हाइलाइटर की लेनी है, एलिमिनेटर की, या तो आप जो भी आपको शेड पसंद है आप उस शेड में से ले सकते हो जितना क्वांटिटी मैंने लिया। अब मैं अपन इसको एज अप्लाई भी कर सकते हो जैसे स्किन में एज कुछ भी नहीं लगाया, जैसे इसके बेस से पहले आप जस्ट ये वाला स्किन एलिमिनेटर अप्लाई करो देन उसके ऊपर बेस बनाओ। इतना कोई अमेजिंग और इतना कोई फ्लॉलेस लुक बेस बनेगा जैसे नहीं आपको पता होता है काशीज की ब्राइड्स का देखा होगा कितना स्किन ग्लो कर रही होती है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। जैसे मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ तो हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके ऊपर से हमें थोड़ा सा एलिमिनेटर ऐड करना है जिसके होता है क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स बोलती कि हमारी स्किन को ना बस शाइन दिखना चाहिए, वो अपने बेस अपना बस अपने ऐसे स्किन बिल्कुल शाइन कर रही हो डेली यूज़ के लिए भी स्किन इतनी ग्लो कर रही हो। तो हम थोड़े से लिक्विड फाउंडेशन इसमें मॉइस्चराइज़र में हम थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड हाइलाइटर की ऐड करेंगे जिससे क्या होगा स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो भी फील करेगी और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। देखिए कितना ग्लो आ रहा है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट ये वाला हमने मॉइस्चराइज़र के साथ हमने लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया है और स्किन कितना ग्लो फील कर रही है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें क्या करना है, जिसने आपने देखा होगा ना लाइनर्स भी इसके लगाते हैं, जिसे ना शिमर्स वाले लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस लिक्विड हाइलाइटर को थोड़ी सी क्वांटिटी हम लिक्विड हाइलाइटर की ले लेंगे, जिसमें आपको ना एक लाइनर दिखा लगा रही हूँ, जैसे कि शिमर्स वाले लाइनर डिफरेंट कलर्स के लगाते हैं। तो हम इसमें से थोड़ी को अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि इसका लाइनिंग भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और एज ए लाइनर भी एज ए यूज़ कर सकते हो। एक ही प्रोडक्ट को हम कितने डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि हमारे आईलेट्स के ऊपर जो एक मेकअप किया जाता है एक हाइलाइटर को दिखाने के लिए और आईज़ को शिमर्स दिखाने के लिए, एक ही वाला यूज़ किया जाता है। हैक्स उसको अच्छे से ब्लेंडिंग की जाती है आईलेट्स के ऊपर और एक अच्छे से इनकी ना वो हेयर का आई कलर बन जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मेथड बता रही हूँ, ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है हमें थोड़ी सी क्वान्टिटी मॉइस्चराइज़र की चाहिए, देन हमें चाहिए लिक्विड हाइलाइटर। तो थोड़ी जितनी क्वान्टिटी मैं ले रही हूँ आप उतना ही ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ना कस्टमाइज बेस भी इसे बोल सकते हो आप, ये कस्टमाइज तरीके से बेस भी बनाया जाता है, जिसमें हाइलाइटर भी ऐड हो जाएगा, प्राइमर भी ऐड हो जाएगा। अब हमें थोड़ी सी क्वान्टिटी प्राइमर की भी ऐड करनी है। प्राइमर से क्या होगा, जो भी आपके पोर्स क्लॉक हो जाएंगे और स्किन आपकी ऐसे फिनिशिंग लुक और फ्लॉलेस लगेगी। तो हमें अभी 3 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, मॉइस्चराइज़र, हाइलाइटर और हमें यूज़ किया है प्राइमर। यहाँ पे आप बस यही प्रोडक्ट्स ऐड करने, देन हमें आपके पास होना चाहिए कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन। यहाँ पे मिस रोज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें मिस रोज़ की थोड़ी जितनी क्वांटिटी मेल होंगी ना आपको इतना ही लेना है और अच्छे सा बेस बनाना है। इतना कोई फ्लॉलेस और इतना कोई मतलब लॉन्ग लास्टिंग जैसे शिमर स्किन लग रही होती है, इसका ना ग्लोइंग वाला फेस बनाना है हमें। तो हम जब लिक्विड फाउंडेशन ऐड करेंगे तो इसका एक ना एक ही वाला दिन जो 3-4 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए, आप इसी तरीके से प्रोडक्ट ऐड करिएगा और जैसी तरीके से बेस बनाइएगा, यकीन माने ये इतना कोई बेस, अच्छा सा बेस और इतना कोई ग्लोइंग इफेक्ट वाला बेस बनता है, जो आप बड़े बड़े सैलून से और पार्लर से आप फाउंडेशन लेते हो उनसे ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ये वाला बेस आप बना के रख भी सकते हो, अपने क्लाइंट्स आपके पास जब भी आए आप उनके पे यूज़ कर सकते हो और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इतना कोई ये फ्लॉलेस वाला इतना कोई अमेजिंग क्या बेस बन जाता है, बस हम थोड़े से प्रोडक्ट्स ऐड करके कितना अमेजिंग और ग्लोइंग इफेक्ट वाला बेस बना दिया। अब उसको अप्लाई करके दिखा दूँ कि इसका ये देखिए कितना क्रीम है और कितना कंसिस्टेंसी के साथ बन गया है। बस हमें थोड़ा सा ना इसमें हाइलाइटर को एलिमिनेटर को ऐड किया है, जिससे कितना ग्लोइंग इफेक्ट वाला बेस बन गया, जिसमें हमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये वाली चीज़ें जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, हम वो वाले प्राइमर ये सारे प्रोडक्ट्स एक में ही ऐड हो गए हैं। बस ये प्रोडक्ट सारे आपके पास होते हैं, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। देखो कितना फ्लॉलेस और कितना ग्लोइंग इफेक्ट वाला बेस बन रहा है, बिल्कुल भी पेची नहीं बन रहा है, बिल्कुल कहीं से भी क्रैक नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक फिनिशिंग लुक दे रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि आप एल्यूमिनेटर को और हाइलाइटर को कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और आपसे छोटी सी रुकवेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।